हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। प्रेगनेंसी का सिम्टम्स एंड साइन, इसके बारे में आप लोग बहुत ही ज़्यादा जानने चाहते हैं। हर वक्त कमेंट सेक्शन में यही क्वेश्चन आता है कि पीरियड से मिस होने पहले कैसे हम पता करेंगे कि हमारा जो प्रेगनेंसी रुक गई है या फिर नहीं। मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए, तब भी आपका क्वेरीज आता है। देखिए दोस्तों, जब भी आपका जो ओवुलेशन होता है, अगर उसी ओवुलेशन टाइम में अगर आप रिलेशन बनाते हैं, तो आपका जो एग है वो आपके पार्टनर के हेल्दी स्पर्म के साथ अगर मिल जाता है और फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके बाद एक जाइगोट बनता है, वो आकर यूटेरस के दीवार में चिपकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। बहुत सारे महिला को इम्प्लांटेशन में कुछ कुछ साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या फिर इम्प्लांटेशन क्रैम्प, लेकिन वह 100% महिला को दिखाई नहीं देता है और वो फील भी नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने बॉडी को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से चेक करते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि पीरियड मिस होने से पहले कैसे मैं पता करूं कि इस महीने मेरा प्रेगनेंसी रुकी है या फिर नहीं, तो बहुत सारे साइन एंड सिम्टम होते हैं, जिसमें एक प्रोमिनेंट साइन एंड सिम्टम होता है आपका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज हो जाता है, आपका भूख बिल्कुल भी कम हो जाता है, साथ ही साथ आपको एक पर्टिकुलर चीज़ खाने को बहुत ही मन करता है। तो ये सब चेंजेस आपको दिखाई देता है। और अगर आप देखे होंगे कि फिल्मों में कि चक्कर आ जाता है और हीरोइन गिर जाती है, और फिर उसके बाद बिना ही कुछ टेस्ट किए बोलते हैं उसके जो रिलेटिव या फिर सांस कि नहीं, इस महीने ये तो प्रेग्नेंट हो गई है, खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, तो ये बात भी बहुत ही सही है। क्योंकि हार्मोनल के चेंजेस के वजह से अगर आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो आपको चक्कर भी आ सकता है, थोड़ा थोड़ा नौजिया भी लग सकता है, और जो सबसे जो प्रोमिनेंट साइन होता है वो है आपके स्टोमक में ब्लोटिंग हो जाना। क्योंकि हार्मोन के चलते प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि वो ब्लोटिंग करना और आपके पेट में गैस का बढ़ जाता है। तो ये ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन एक प्रोमिनेंट साइन होता है अर्ली प्रेगनेंसी बिफोर द मिस्ड पीरियड। अगर आप उसे बारीकी से देखेंगे, बारीकी से समझेंगे, तो आप ये साइन एंड सिम्टम बिल्कुल भी सोच सकते हैं। और साथ ही साथ और एक जो प्रोमिनेंट साइन होता है पीरियड मिस होने से पहले कि आपका प्रेगनेंसी इस महीने रुक गई है, अचानक आपको लगेगा कि आप छोटे छोटे काम करने के वक्त थकान लगना। पहले तो आपको पहले ओवुलेशन से पहले जब आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं, बहुत सारे काम कर लेते थे या फिर आपको बहुत ही एनर्जी लगता है, लेकिन जब भी आपका फर्टिलाइज्ड एक इम्प्लांट हो जाता है उसके बाद अचानक से आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही ड्रॉप हो जाता है, आपको छोटे छोटे काम पर थकान आ जाता है, आपको हमेशा लगेगा कि मैं कुछ समय रेस्ट ले लूँ। तो ये जो साइन होता है ये हर किसी महिला को दिखाई देती है, वो थकान हो जाता है, कमर में दर्द होता है, ब्लोटिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, यूरिनेशन बढ़ जाता है, फ्रिक्वेंटली वो यूरिनेशन करते हैं, चक्कर भी आ जाता है, खाने का चीज़ में स्वाद बिगड़ जाता है, एक पर्टिकुलर चीज़ खाने का बहुत दिल करता है, कभी कभी बहुत सारे महिलाओं को आपने देखा होगा खट्टा खाने के भी मन करता है। तो ये सब मेरे साथ भी हुआ था, तो इसके क्षेत्र में भी मैं बताती हूँ कि ये सब साइन एंड सिम्टम अगर आपको दिखते हैं पीरियड मिस होने से पहले, तो हो सकता है डेफिनेटली 90% चांस है कि आपका प्रेगनेंसी इसी महीने रुक गई है। अगर पीरियड मिस हो जाता है तो प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए उसके 7-8 दिन बाद आप एक होम प्रेगनेंसी या फिर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए, देखिएगा आपका जो टेस्ट है वो ज़रूर ही पॉजिटिव आएगा। तो कैसा लगा है आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।